plus two. Mike. यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के संगठन प्रभारी श्री भूपेंद्र यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी, हमारे साथी और बिहार सरकार के माननीय मंत्री प्रेम कुमार जी, और यहाँ पर उपस्थित जनता दल यू के हमारे सभी सम्मानित नेतागण, प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ भाई, कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी जी, विजेंदर यादव जी, आरसीपी सिंह जी, ललन जी, मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं और यहां पर जो बुनियादी बातें हैं उसकी जानकारी संजय जायसवाल जी ने दे दी है। जो हम लोगों का गठबंधन है NDA, इसमें बातचीत हो चुकी है और हम लोगों की बातचीत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उसका कोई ऐलान नहीं किया गया था और अब उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दे दी जाएगी। आज इन्होंने बता दिया है, जो जनता दल यू है उसके जिम्मे 122 सीटें दी गई हैं और उसी के अंतर्गत हम पार्टी को, जीतन राम मांझी जी की पार्टी को, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने 7 सीटें दी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 121 सीटें हैं और उसी के अंतर्गत इन लोगों की बातचीत, जो इन्होंने बताया कि अंतिम चरण है विकासशील इंसान पार्टी के साथ, उसी के अंतर्गत उनको सीटें देंगे। और जहां तक दोनों के बीच में कॉन्स्टिट्यूएंसी का सवाल है, कौन कौन विधानसभा क्षेत्र किनके जिम्मे है, उसका भी निर्णय हो चुका है और मैं समझता हूं कि आज वो 122 और 121 तो है, तो बता दें लोगों को, या ऐसे ही आप रिलीज कर दें, रिलीज कर दिया जाएगा ये पूरे तौर पर कि इनके जिम्मे कौन सी सीट है। हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और बिहार के विकास के लिए जो भी काम है वो किया गया और इसके बाद भी आगे मिलजुल कर हम लोग काम करेंगे। एक साथ काम करते हुए हम लोगों का एक लंबा अवसर है और जो कुछ भी बिहार में हुआ है इसके बारे में सब लोगों को जानकारी, कुछ लोगों के द्वारा बिला वजह बहुत सारी बातें की जाती है, मैं उन सब चीजों का कोई महत्व नहीं देता हूं। सबको मालूम है कि हम लोगों का अगर पिछले 15 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं, 15वां साल है और उसके पहले 15 साल तक लोगों को काम करने का मौका मिला था, उनके द्वारा क्या किया गया, क्या आर्थिक स्थिति थी, क्या रोजगार था, क्या कानून व्यवस्था की स्थिति थी, कितने बड़े पैमाने पर जो हत्याएं होती थी, सामूहिक नरसंहार की घटनाएं घटती थी, क्या नहीं होता था उस समय, कितने दंगे होते थे, सारी बातों से लोगों को मालूम है। और कहां कौन सा विकास का काम था, कहीं कोई सड़क था, कोई सड़क भी ठीक से था, एक भी काम नहीं था, कहां किस तरह से स्कूल चल रहा था, क्या हालत थी कॉलेजों की, यूनिवर्सिटी तक में जो शिक्षक थे, प्रोफेसर्स थे, उनको कब तनख्वाह मिलता था, कितने दिनों पर तनख्वाह मिलता था। हम लोग जब आए 2005 में और 2006 से जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, सब चीज समय पर करना शुरू किया, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो, और हम लोग प्रारंभ से कहते रहे न्याय के साथ विकास, यानी समाज के हर तबके का उत्थान और हर इलाके का विकास, वही काम हम लोग करते चले आ रहे हैं किसी भी क्षेत्र में। और इसके बारे में
तो सबको पता है और किस तरह से हम लोगों ने काम किया। आज ये बता रहे थे अभी संजय जायसवाल जी, इधर की घटनाओं के बारे में कुछ जानकारी उन्होंने दे दी और कितना ज्यादा ये जो कोरोना का प्रकोप हुआ है दुनिया भर में, COVID-19 से दुनिया भर के लोग प्रभावित, और कहीं नीचे जाता है फिर ऊपर जा रहा है, ये स्थिति एक दूसरे तरह की है, लेकिन हम लोगों ने बिहार में कितना काम किया। और आज आप देख लीजिए, जांच का भी सवाल है तो 10 लाख की आबादी पर जितनी जांच है बिहार में, देश का जो एवरेज है उससे भी 3000 ज्यादा, हमारा देश के एवरेज से भी प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर जितनी जांच हुई या हो रही है उसमें भी हम लोग आगे हैं। और जहां तक सवाल है कि जो लोगों की मृत्यु होती है उसकी भी कमी है हम लोगों के यहां, और जो लोग ठीक होते जा रहे हैं उसकी भी संख्या हमारा 93% से ज्यादा है। तो हर प्रकार से काम हो रहा है, लेकिन बहुत तरह की बात लोग, जब ये हुआ और बाहर में जो लोग थे हम लोगों के, जिसको प्रवासी कहा जाता है, मैं तो प्रवासी शब्द का पक्षधर नहीं, मैं शुरू से बोलता हूं, देश तो एक है, देश के अंदर कोई एक प्रांत का दूसरे प्रांत में जाता है उसको प्रवासी कहना उचित नहीं, हर किसी को देश के अंदर जाने का अधिकार है, सारे लोग जाते हैं, बिहार में क्या दूसरे राज्य के लोग नहीं है? लोगों को ठीक से मालूम नहीं है या पता नहीं है कि केरला के लोग या महाराष्ट्र के लोग बिहार में है कि नहीं है, तो ठीक से तो मालूम नहीं है। तो बिहार के लोग भी सब जगह जाते हैं या जहां कहीं भी इच्छा होती है जाते हैं, अब वहां थे, परेशानी में थे, तो हम लोगों ने तो एक एक लोगों से संपर्क किया और सब लोगों को जो भी है, मतलब 21 लाख लोगों को 1,000 रुपया की सहायता राज्य सरकार की तरफ से किया गया। और जो गाइडलाइन था जारी उसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने का नहीं था, फिर केंद्र सरकार ने निर्णय लिया अप्रैल महीने में, और जो रेलगाड़ी से आने की सुविधा की गई, कितनी बड़ी संख्या में हमारे लोग आए और लोगों के साथ कितना यहां किया गया, अलग अलग लोगों को जिसमें था कोई 8 जगह से आए जिनकी स्थिति वहां ज्यादा ठीक नहीं थी, उनको अलग हम लोग 14 दिन तक रखे क्वारंटाइन सेंटर, और उसमें एक एक लोगों पर 5,300 रुपया 14 दिन के अंदर हम लोगों ने खर्च किया। तो लोगों को तो मालूम कुछ रहता नहीं है, केंद्र ने मदद किया कितना जिसकी चर्चा इन्होंने कर दी, किस तरह से लोग जो हो लोगों को सुविधा हो जाए चारों तरफ से, और राज्य सरकार की तरफ से किया गया, लेकिन कुछ बातें तो यूं की जाती है तो एक बात है, और हर प्रकार से हम लोग एक एक तरह का इंतजाम करके रखे हुए, और एक एक क्षण, अभी तो अब चुनाव आ गया, तब चुनाव आ गया तो जितने सरकार के और जो डिपार्टमेंट के लोग हैं अधिकारी हैं, ये उनका देखना काम है। और आपको मैं बता देता हूं, जैसे ही चुनाव आयोग के द्वारा घोषणा की जाती है डेट, हमको जब से मौका मिला तब से, जिस दिन अनाउंस हो जाता है चुनाव का इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसके अगले दिन या उसी दिन हम ऑथोराइज कर देते हैं सब काम के लिए चीफ सेक्रेटरी को। इस बात को जान लीजिए, हम लोगों को तो इतना कम समय है और ऐसी परिस्थिति में चुनाव हो रहा है तो सब लोगों को पूरी तैयारी करनी, और हम लोग चुनाव कर रहे हैं तो हम लोग तो अपने ढंग से जो काम है, और एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि हम तो जो हम लोगों का काम है लोगों की सेवा करना, तो हम लोग तो पॉजिटिव आधार पर जो काम किया है, जो काम कर रहे हैं उसके आधार पर लोगों के बीच में फिर हम लोग जाकर के सेवा का अवसर प्राप्त करने की कोशिश करें। जनता मालिक है, उनको तय करना, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा किस किस तरह का बयान दिया जाता है मुझे तो आश्चर्य होता है। और आज तो हम कुछ अखबार में देख लिए कि जिसका JDU से कोई रिश्ता नहीं है उसका खाप दिया कि RJD ज्वाइन किया, JDU में है ही नहीं, वरिष्ठ नेता 2-3 अखबार में हमने देखा, आश्चर्य उसको लगता है। इसलिए हम तो आग्रह करके कि चीजों की जांच करके, अब फोटो छपा हुआ है, फोटो छपा है 2 अखबार, तो वो कब हम लोग MLA बनाए MP बनाए 14 से ही अलग, अब बताइए कोई कहीं जाता, तो कुछ चीजों को तो देख करके मैं इतना ही कहूंगा, मुझको दुख नहीं होता। सवेरे मेरी आदत है अखबार पढ़ने की, तो हम जब सवेरे अखबार पढ़ते हैं, टेलीविजन तो उस तरह से हम देख नहीं पाते हैं काम के चलते, दिल्ली में जब तक थे तब तक 1-2 घंटा टेलीविजन देखते थे, अब नहीं देख पाते हैं,
लेकिन अखबार पढ़ते हैं तो कभी कभी चीज को देख करके हंसी आती है। तो इन सब चीजों से हमारा कौन क्या बोलता है, क्या बोलेगा, और इन्होंने उसके बारे में बता दिया। और ये तो बीजेपी ही अपनी तरफ से जो भी बात होगा कह देंगे, कोई अब क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं। हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और मिलकर आगे भी काम करेंगे, मिलकर हम लोग साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और जो ये जो इनका भारतीय जनता पार्टी का ही जो विचार था हम लोगों के साथ विमर्श के दौरान, इनकी जो इच्छा थी उसका ही पालन करते हुए हम लोगों की तरफ से हम पार्टी के साथ उनके साथ बातचीत हुई। और ये बात कर रहे हैं विकासशील इंसान पार्टी के साथ, और जो बात है एक तरफ तो हो ही गया है, उनका तो 7 सीट और 7 का जिन सीटों पर वो लड़ने वाले हैं उसका भी उनको सूचना दे दी गई, और उसमें से तो लगता है 6 सीट तो पहले ही फेंक गए। तो ये सब का ऐलान सब के बारे में सब लोगों को मालूम है। और विधिवत आज जो दोनों दल का है और दोनों दल के माध्यम से और लोगों को जो इसके साथ जोड़ा गया है, तो उनके बारे में भी पूरी बात एक एक सीट के बारे में आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। और उसके बाद फिर जो कैंडिडेट हैं अपने अपने पार्टी के लोग उसका भी ऐलान कर देंगे कि कौन कौन कैंडिडेट किस क्षेत्र के हैं, इसका भी ऐलान कर देंगे। तो हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, मिलकर काम करेंगे। हम लोगों के मन में किसी भी तरह की कोई गलतफहमी नहीं, और आप हम मानते हैं कि किसी को अगर कुछ कहने से उसको आनंद आता है, उसको पूरी आजादी है, जो इच्छा करे बोले, जो इच्छा करे कहे, अपना करता रहे, बोलता रहे, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। एक बात हम बहुत स्पष्टता के साथ आज कह देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग मिलकर जैसा कि मैंने कहा है काम करते रहे हैं, आगे भी काम करेंगे। किसी तरह का हम लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन या किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं। और ये स्वाभाविक है कि इस बार ये जो स्थिति रही है कोरोना की, अब इसमें कई चीजों को काम करने थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, किसी भी चीज के बारे में निर्णय लेना, लोगों से बातचीत करना, वो सब सब होता है, लेकिन अब एक एक चीज के बारे में फैसला हो गया है और लोग अपने अपने कैंडिडेट के बारे में भी अंतिम निर्णय लगभग ले चुके हैं। हम लोग तो कैंडिडेट के बारे में भी निर्णय ले चुके हैं, आपका भी निर्णय लगभग हो चुका है, तो इसका भी ऐलान बाद में कर दिया जाएगा। अभी तो सीटों के बारे में कौन सीट से किस पार्टी के लोग चुनाव लड़ेंगे इसके बारे में आज आपको जानकारी दे दी जाएगी। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि भाई समाज में एक प्रेम का और भाईचारे का भाव रहना चाहिए, लेकिन ये तो हमको मालूम है कि मनुष्य का तो कुछ ना कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो इस प्रकार की बात करता है। तो इस ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये अस्वाभाविक है, ये बहुत ही स्वाभाविक है। आप देखिएगा कि चाहे लाख कुछ कर लीजिए, कुछ प्रतिशत लोग तो ऐसे होते ही हैं कि वो किस तरह से बोलेंगे, किस तरह की बात करेंगे, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये तो चलता ही रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। और जरूर बिहार को आगे बढ़ाना है हम सब लोगों को मिलकर के, एकदम बिल्कुल सक्षम बिहार हम लोग बना रहे हैं, और कितना तेजी से इसके बारे में तो हम लोग बोलते रहे। क्या बजट था भाई, कितना कम बजट था बताइए, और अब कितना बड़ा बजट है, 24,000 करोड़ रुपए का बजट होता था और हम लोग 2,11,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिए बजट से लेकर के एक एक चीज के बारे में। और वो सब बात होगी तो हम लोग डिटेल भी देंगे, नौकरियों के बारे में कितने लोगों को नौकरी हम लोगों के कार्यकाल में मिली है, कितने लोगों को सेवा करने का मौका मिला है, एक एक चीज के बारे में। तो हम लोग तो इन सब चीजों के बारे में काम करते रहे और काम ही करते रहेंगे, यही हम लोगों का कर्तव्य है। तो अभी तो अपनी तरफ से इतनी ही बात कहनी थी, अब बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तृत बताया है, पर आपको कोई प्रश्न हो आप सबको तो आप पूछ सकते। एक मिनट, एबीपी। थैंक यू सर, मैं जैनेन्द्र हूँ एबीपी न्यूज से। नीतीश जी, चिराग पासवान आपकी सरकार को नाकाम बता रहे हैं, उनके पिता मोदी सरकार में मंत्री हैं जिनकी तस्वीर आपने मंच पे लगाई हुई है। सवाल ये है कि क्या
बीजेपी से सवाल है मोदी जी से कि क्या एलजेपी एनडीए का हिस्सा है कि नहीं है, और नीतीश जी आपसे सवाल है कि चिराग जो बार बार आप पर हमले करते हैं क्या उनकी प्रतिक्रिया है, और उनके पिता मोदी कैबिनेट का हिस्सा है, आप क्या चाहेंगे कि क्या एलजेपी को के साथ बीजेपी अपना संबंध केंद्र पर भी तोड़े? देखिए कौन क्या बोलता हम पहले ही कहने उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है, जिसकी जो इच्छा वो बोलता रहे। लेकिन आपने श्री रामविलास पासवान की चर्चा की, अब रामविलास पासवान जो अस्वस्थ हैं हम सब लोग चाहते हैं कि वो स्वस्थ हो, हम लोगों का उनसे एक लगाव है, अब बहुत पुराना लगाव है। लेकिन आप जो पूछ रहे हैं हमसे, रामविलास पासवान जी अभी जो राज्यसभा में पहुंचे तो बिना जेडीयू के मदद के पहुंचे, आप जरा बताइए तो कैगो सीट है बिहार विधानसभा में? दो है ना, तो बीजेपी ने और जेडीयू ने ही तो टिकट दे करके राज्यसभा पहुंचा है। तो ये सब बात जो कोई बोलता रहता हमको से क्या मतलब है? और आप जरा बता दीजिए कि जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ जिसमें 6 सीट मिली तो कौन नहीं होगा? कितना कितना बार मेरे साथ रामविलास पासवान जी गए, सुशील मोदी जी, हम और रामविलास पासवान जी कई जगह मीटिंग में गए हैं, जरा बताइए। तो हम लोग तो सब दिन से सहयोग करते रहे, आप कोई की मन में क्या बात है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और उसका एक पक्ष जो कहा उसके बारे में तो आप लोग बता देंगे। नहीं देखिए ये एक मिनट, अरे रुक जाओ ना यार, कुछ उनका जवाब देने दो ना। देखिए डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि बिहार के अंदर एनडीए में वही रहेगा जो नीतीश जी को बिहार एनडीए का नेता स्वीकार करेगा, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। कल सरकार निश्चित बनेगी तो मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे, तो इसलिए नीतीश कुमार को जो अपना नेता स्वीकार करके काम करेगा वही एनडीए के अंदर बिहार के अंदर हिस्सा होगा। और रामविलास जी तो केंद्र में मंत्री हैं ही, वो केंद्र में मंत्री अस्वस्थ हैं वो, और जैसा भी कहा डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने कि अगर वो स्वस्थ होते तो शायद आज ये स्थिति पैदा नहीं होती, इसलिए कोई इफ एंड बट का सवाल नहीं है। अब मैं मीडिया से भी आग्रह करूंगा, कोई कन्फ्यूजन मत रखिए, ये ऐसा गठबंधन है और आज का संबंध नहीं है, 96 से लेकर आज तक बीच के कुछ 2-3 वर्षों के कार्यकाल को छोड़ दें तो इतना लंबा अनुभव और कार्यकाल हम लोग का रहा है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। और कोई बीजेपी जेडीयू और साथ में वीआईपी पार्टी और हम पार्टी, ये 4 दलों का गठबंधन है। और इसलिए आज ये भी आपको बताया गया है कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो चुनाव आयोग को हम लोग लिख कर देंगे, क्योंकि सूचना मिल रही कि बहुत सारे निर्दलीय लोग भी या अन्य जो इतने दर्जनों दल बने हैं बिहार में, वो हो सकता है कि कोई मुख्यमंत्री के फोटो का इस्तेमाल करे, कोई हो सकता है प्रधानमंत्री के फोटो का इस्तेमाल करे, तो हम लोग आवश्यकता पड़ेगी तो चुनाव आयोग को ये लिख कर देंगे कि ये जो 4 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं यही लोग केवल प्रधानमंत्री के चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर अन्य कोई दल चित्र का इस्तेमाल करता है तो चुनाव आयोग को जो उनकी अपनी धाराएं अपना कोड है उसके अनुसार और वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। जो अरे भाई एक बार जब घोषणा कर दिया तो कोई इफ एंड बट नहीं है, जितनी भी सीटें जिसको आए, नीतीश कुमार जी को दो लगातार हमारे मुख्यमंत्री हैं जब हम साथ में रहे हैं, आज भी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी बिहार के इस गठबंधन के वही उम्मीदवार हैं और वही मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें संख्या किसको क्या आई नहीं आई क्या हुई इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए कहीं कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और मैं मीडिया से भी आप पोस्ट पोली की तो बात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मैंने तो कह दिया ना आपको। अरे भाई तो अब ट्वीट कब करें ये भी आप तय कीजिएगा मनीष जी कि मैं कब ट्वीट करूं, ये तय आप ही ना कीजिएगा।
मैंने तो कह दिया कि रामविलास जी केंद्र की सरकार में मंत्री हैं। रामविलास पासवान जी केंद्र की सरकार में मंत्री अस्वस्थ हैं, तो ये सब कोई विषय नहीं है। मैं मीडिया से भी आग्रह करूंगा कि अनावश्यक विषयों को जो उछालने का प्रयास किया जा रहा उसमें किसी को सफलता नहीं मिलेगी। ऐसा अटूट गठबंधन है, इसलिए हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और पोस्ट पोल भी जब मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया, ये थोड़ी कहा कि हमको ज़्यादा आएगा कम आएगा तो कौन बनेगा, ये तो स्पष्ट है कि जो भी जिसको भी जितनी सीटें आएंगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अरे भाई, यहाँ पर भूपेंद्र यादव जी बैठे हैं, फडणवीस जी बैठे हैं, और अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री जी ने एक दर्जन बार नीतीश जी के बारे में सारा स्टैंड और सारी चीजें स्पष्ट कर दिया है। उसके बाद भी सवाल पूछ रहे तो आश्चर्य लगता है, इसके बाद और क्या चाहिए स्पष्ट आपको? हो गया, अनुरोध करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि इस प्रेस वार्ता को धन्यवाद देते हुए इसको भूपेंद्र जी आप बोल, अब मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय भूपेंद्र जी से कि वह सभी को संबोधित करें। मनीष जो है ना, जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के खिलाफ कहीं भी चुनाव लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में व्यवस्था है, वो पार्टी का सदस्य नहीं रह जाता है। पार्टी पूरी तरीके से बिहार में एनडीए में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। और हम ये मानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में जो गरीब कल्याण के कार्यक्रम किए गए, देश में आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हों, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, दलित हों, वंचित हों, गरीब हों, सबके कल्याण के लिए जो कार्य किया गया है, उन सभी कार्यों को बिहार में भी नीतीश जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय सुशील मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, और हमारा ये स्पष्ट रूप से कहना है कि इस चुनाव में जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और हमारी जो दो सहयोगी पार्टी हैं, उनको 3/4 बहुमत मिलने वाला है, और 3/4 बहुमत के द्वारा ही हमारी सरकार बनने वाली है। इसलिए आपके सभी प्रयासों पर जब हमें 3/4 बहुमत मिल रहा है तो अपने आप ही विश्राम लग गया। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय सुशील जी से कि वह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को धन्यवाद और अपनी बात रखते हुए समाप्त करें। मित्रों तो शांत हो जाइए। मित्रों, जैसा भी नीतीश जी ने और डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने सारी बातों को रख दिया है, मैं संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि हम चुनाव विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार ने जो बिहार में काम किया है और नीतीश जी के नेतृत्व में जो एनडीए ने बिहार में काम किया है, और मैं तो विपक्ष को चुनौती देता हूँ कि हर चुनाव में सड़क, बिजली, पानी ये मुद्दा होता है, अगर हिम्मत है तो बिजली को मुद्दा बनाएं, सड़क को मुद्दा बनाएं, अगर हिम्मत है तो पानी को मुद्दा बनाएं, कोरोना का मुद्दा बनाएं, बाढ़ को मुद्दा बनाएं, जो प्रवासी मजदूर है उनको मुद्दा बनाएं। आज एक एक मुद्दे का प्रभावी तरीके से हम लोगों ने समाधान करने का प्रयास किया है। इसलिए मित्रों, मैं सभी पत्रकारों का धन्यवाद देता हुआ और इस विश्वास के साथ कि हम 3/4 के बहुमत से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में
फिर से बिहार के अंदर सरकार बनाएंगे और विकास के मुद्दे पर जनता के बीच में जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सभी पत्रकारों को धन्यवाद।